Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So in the last lecture we discussed about the cell. Today we will start our next chapter, which is tissue. Tissue is a group of cell having common origin and similar structure and function. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वो ग्रुप सेल्स का जिनका सिमिलर ओरिजन, जब एम्ब्रियो बनता है, जब बेबी अपनी मदर के वोम में बन रहा होता है तो उस टाइम पे उसके अंदर तीन लेयर होती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो जो भी आपका टिश्यू है, या तो अगर वो टिश्यू है तो वो एक्टोडर्म से प्रोड्यूस होगा या मीजोडर्म से या एंडोडर्म से, लेकिन टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल है, वो ग्रुप ऑफ सेल, वो सारी एक ही टाइप के जो ड्रम है उससे जनरेट होती है, एक ही टाइप की जर्म लेयर से प्रोड्यूस होती है, चाहे वो एक्टोडर्म से हो, एंडोडर्म से हो या मीजोडर्म से। एक टाइप के टिश्यू की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी एक ही जर्म लेयर से प्रोड्यूस होंगी। अगर वो दूसरी जर्म लेयर से प्रोड्यूस हैं, इसका मतलब वो दूसरे टिश्यू में प्रेजेंट होंगी। सिमिलर स्ट्रक्चर, अब एक ही टाइप की जर्म लेयर से अगर वो ओरिजिनेट हुई है तो दिस इज ऑब्वियस कि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर होगी। और उनका ग्रुप किस लिए बनता है, टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। वो जो फंक्शन परफॉर्म करेंगी वो भी सिमिलर होगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सेल है वो डाइजेशन का काम करेंगी सारी मिलके, रेस्पिरेटरी वाली रेस्पिरेशन का काम करेंगी, ट्रांसपोर्ट वाली ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो इस तरीके से जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी सेल्स उस सिस्टम में, उस टिश्यू में प्रेजेंट है, वो सारी सिमिलर फंक्शन करेंगी, उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होगी और उनका ओरिजिन भी सेम होगा। तो यहाँ पे ये दो तीन वर्ड्स थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए टिश्यू की डेफिनेशन में, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तीनों ही चीजें उनकी सिमिलर होंगी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सभी प्लांट या सभी एनिमल हैं उनकी सेल जो है वो सिमिलर होती हैं या डिसिमिलर होती हैं? तो उनकी सेल्स डिसिमिलर होती हैं। क्यों होती हैं? Why do plant and animals are made up of different kind of tissue? ये बोल रहे हैं कि एनिमल और प्लांट के टिश्यूज डिफरेंट क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। अब लाइफस्टाइल डिफरेंट कैसे है? अगर आप सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपको विजिबल है वो लो, तो उसमें क्या है, प्लांट्स आर स्टेशनरी व्हाइल एनिमल कैन लोको मोट। एनिमल्स लोकोमोशन कर सकते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली जा सकते हैं फूड की सर्च में, उसके बाद शेल्टर, मतलब कहीं पे शरण लेनी है उनको, कहीं रहने का स्थान देखना है, दैट इज शेल्टर, फूड, शेल्टर। और थर्ड पॉइंट है मेटिंग, मेटिंग पार्टनर मेल फीमेल ढूंढना है, तो उसके लिए वो इजीली मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। बट प्लांट्स आर स्टेशनरी, वो आपके मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उनको एक ही जगह पे फिक्स रहना पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ। जैसे बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनको आप मूव नहीं करवा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो इन जनरल प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट स्टेशनरी होते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं बट लोकोमोशन नहीं कर सकते। तो अब कोई एनिमी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, किसी भी तरह का एनवायरमेंटल अगर हैजार्ड आता है, तो प्लांट हैज टू विदस्टैंड विद दोज एडवर्स कंडीशन, उसको उनको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए प्लांट की सेल के बाहर सेल वॉल होती है, व्हाइल एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। तो ये एक बड़ा एग्जांपल था जो आपको, मतलब ये चीज प्रूव करने के लिए इनफ है कि इन दोनों में अलग अलग तरह के टिश्यू क्यों होने चाहिए, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल अलग है। सेकंड एग्जांपल क्या है, प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक व्हाइल एनिमल्स आर हेटरोट्रोपिक। तो प्लांट ऑटोट्रोपिक है, वो एक जगह पे रह के काम चला सकते हैं, बट एनिमल हेटरोट्रोपिक है, वो अपना खाना नहीं बना सकते, तो इसीलिए क्या है, उनको मूव करने की जरूरत पड़ती है। थर्ड एग्जांपल क्या है, प्लांट की एनर्जी नीड बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसीलिए उनके टिश्यूज सिंपल होते हैं, उनके अंदर ऑर्गन ना के बराबर होते हैं। बट एनिमल्स जो हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक। वो एनर्जेटिक क्यों है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो एनर्जेटिक नहीं होंगे तो मूव नहीं कर पाएंगे या एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो एनिमल्स क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए उनके अंदर जितने भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, वो हाईली एडवांस्ड होते हैं। तो इसीलिए प्लांट और एनिमल्स के जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग होते हैं।
सो फर्स्ट वी विल टेक द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का एक चार्ट देख लेते हैं हम, डिवीजन का किस किस तरीके से होते हैं। प्लांट टिश्यू पहले क्या है, दीज आर ऑफ टू टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। तो दो तरह के टिश्यू किस बिहाव पे बनाए, ये इस बिहाव पे बनाए कि ये डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ क्या है, डिवाइड करते रहते हैं। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, अगर पूरी लाइफ डिवाइड करते रहते हैं तो ग्रोथ के लिए आपके यही टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज प्लांट कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी लाइफ बढ़ते ही रहते हैं उनकी, तो ये है नहीं कि 20 साल के बाद ग्रोथ रुक जाएगी, 40 साल के बाद रुक जाएगी, वो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू। सेकेंड टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब क्या है, जो चीज के अंदर एक मतलब स्थायित्व आ जाता है। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, लोस्ट एबिलिटी टू डिवाइड, लो मतलब एबिलिटी जो है उनकी डिवाइड करने की, ग्रो करने की, वो इनकी खत्म हो जाती है। तो ऐसे टिश्यू को आप परमानेंट टिश्यू बोलोगे। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, जो पीछे वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड कर रहे हैं, एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, उनको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलोगे। जो पीछे रह जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो कि टिश्यू की डेफिनेशन है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो ऐसे टिश्यूज को आप परमानेंट टिश्यू बोलोगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनकी लोकेशन के बिहाव पे एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी तीन तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यू आपके दो तरह के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक सिंपल है, एक परमानेंट है। सिंपल के फर्दर टाइप हैं पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्केरलकाइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ऑफ टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम, विच आर वेरी कॉमन, जो आप सबने सुने होंगे, फिफ्थ सिक्स क्लास से आने लग जाते हैं जाइलम फ्लोएम। तो इनको हम वन बाय वन अब डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू के ये इतने जो टाइप हैं, इनका अलग अलग फंक्शन क्या है, या ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका रोल क्या है, वो सब हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था अभी कि डिवाइड करते रहते हैं और क्या है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डिवाइड कर रहे हैं तभी तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जो सेल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज होगा तब क्या होगी, तभी तो ग्रोथ होगी ना। तो ये ग्रोथ के लिए और डिवाइडिंग दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देव है कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू टिश्यू। ये क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, बात तो आपको पता ही है, साथ में उनकी डिवीजन से नए टिश्यूज प्रोड्यूस होंगे। अब ये इतने एक्टिवली डिवाइडिंग है, अगर इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होगी, टफ होगी, तो इनको डिवीजन में बहुत दिक्कत आएगी, इसीलिए इनकी सेल वॉल जो है वो थिन होती है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। बट टाइम के साथ जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पीछे रह जाएंगे, जिनकी थिन सेल वॉल है, जब वो परमानेंट में कन्वर्ट होंगे, तो ये जो सेल वॉल है ये भी एक रिजिडिटी और टफनेस अटेन कर लेती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। इनकी लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन टाइप के होते हैं जो हमने पढ़े थे, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम। एपिकल, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, इट विल प्रेजेंट ऑन द टिप। टिप कहां, टिप ऑफ रूट एंड शूट। जो शूट है या रूट है उनकी जो टिप्स होती है, आपने देखा होगा आजकल भी ग्रोइंग सीजन चल रहा है प्लांट का, तो उनके जो बिल्कुल आगे वाले पार्ट होते हैं, टॉप मोस्ट टिप्स जो होती है, वो बड़ी ही ग्रीन और सॉफ्ट है। आजकल अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्लांट्स के अंदर, तो वो क्या होता है, दैट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ करता है ये, और ग्रो के कैसे कराएगा, उनकी लेंथ को इंक्रीज कराएगा। अभी प्लांट एकदम से क्या है, एक्टिवली डिवाइड करेंगे और उसके बाद उनकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी। सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये रेड कलर से मैंने जो दिखाया हुआ था यहां पे टिप के ऊपर, दिस इज एपिकल मेरिस्टम।
नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी जो मेरिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए प्रेजेंट ऑन द इंटर नोड और स्टेम रीजन बिटवीन प्लेस एट विच लीव्स अटैच, जहां जहां पे लीव्स अटैच होती हैं, इंटर नोड और नोड, इंटर नोड होती है दो नोड के बीच की जगह, और नोड होता है वो जगह जहां से कोई लीव या नई ब्रांच है प्लांट के ऊपर वो ग्रो करेगी, तो उसको हम नोड बोलते हैं। तो उन नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन इंटर नोड, स्पेस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटर नोड, और स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेस एट विच लीव्स अटैच, या जो लीव्स हैं, मतलब एक लीव सपोज कीजिए स्टेम है, इस पे एक लीव यहां पे है और एक लीफ यहां पे है, इसके बीच वाले स्पेस पे यहां कहीं पे इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इज लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है, ये लेटरल साइड मतलब दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, जो हमारी लेटरल साइड होती है जहां पे हमारे हाथ होते हैं उसको लेटरल साइड माना जाता है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जो उसकी लेटरल साइज है उनके ऊपर लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ में ये रोल प्ले करते हैं, गर्थ जो मोटाई होती है किसी भी पेड़ के तने की वो किसकी वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टम। तो ये यहां पे ऐसे दिखाया हुआ है, इसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होगा और इसकी मोटाई को इंक्रीज करने में ये मतलब मेजर रोल प्ले करता है लेटरल मेरिस्टम।